नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों ये मेरे पास मितासी का सेट आया हुआ था 50 इंची का, जिसमें प्रॉब्लम थी दोस्तों, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। ये डेड कंडीशन में था, ये जो से मोस्फेट है ये दोनों उड़ गए थे, ठीक है। ये आउटपुट का डायोड उड़ गया था, ठीक है। सो इसको मैंने पूरा ऑल टेस्टिंग में प्रॉपर से चेक किया। चेक करने के बाद दोस्तों ये फॉल्ट मैंने रिलीज कर दिया है। ये मोस्फेट भी इसका ख़राब था प्राइमरी का, इसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इसमें एक सेक्शन में बनता है। और ये हमारे बैकलाइट के लिए पुशपुल मोस्फेट लगाया है, जो कि ये भी उड़ गया था पुशपुल वाला, ठीक है। तो पुशपुल वाले को भी मैंने दोनों ही चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो एक डायोड है ये शॉर्ट था, जो कि हमारे बैकलाइट के लिए ये SMPS काम कर रहा है। ये वाला SMPS जो है बैकलाइट के लिए है, इसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जो बैकलाइट के लिए है, ये तीनों इसके अंदर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ड्राइव के लिए ये हमारा एक इसके ड्राइव के लिए ये छोटा सा SMPS ट्रांसफार्मर लगा रखा, इसके वजह से हमारा क्या है मोस्फेट उड़ता तो मोस्फेट ही उड़ता है, बाकी चीज़ें इसमें बच जाती, PWM नहीं जाता इस वाले डिज़ाइन में दोस्तों, बहुत बढ़िया है। सो इसकी पूरी डिटेल मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। और इसको चलाने के बाद मैं दोस्तों दिखा देता हूँ कि आपकी बैकलाइट वगैरह इसका आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये रेड इंडिकेटर आ रहा है अभी, देखिए यहाँ ऑन हो गया। अभी हमारी यहाँ पे बैक लाइट भी देखिए आ गई है, ठीक है। और इसको मैं उठा के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आगे करके, सेट बड़ा है कोई बात नहीं चलेगा। ये देखिए हमारा जो है ये ओके हो गया है, ठीक है। तो इसकी डिटेल दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसके अंदर काफ़ी लंबी वीडियो हो गई 8 मिनट की। सो अभी भी जो मैं बनाऊँगा वो इसकी डिटेल पूरी वीडियो बनाऊंगा, 10-12-15 मिनट की हो जाएगी पूरी, पावर सप्लाई को किस तरह से डायग्नोस करें, और इसकी मैं टोटल पार्ट 2 में अपलोड करूंगा दोस्तों, वो भी मेरे यूट्यूब पे ही जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दिया, नमस्कार।